क्या नाम है महाराजा आपका? मुझे तारासुत मनुश्री नाथ बोलते हैं। अच्छा महाराज, यहाँ की जो माता जी हैं इनकी क्या महिमा है ये, और कौन सी जगह है? ये स्थान वृंदावन में पड़ता है, सिद्ध तारापीठ वृंदावन। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। वैसे स्थान जो है सिद्ध तारापीठ, ग्राम भीम माठ वृंदावन, आप आएंगे तो ये स्थान मिलेगा। माई की महिमा इस प्रकार है कि मेरी तपस्या, जब मैं दतिया मध्य प्रदेश के अंदर सिद्ध तारापीठ पर तपस्या कर रहा था, तो वहां माई ने मुझे दर्शन देकर इस स्थान के बारे में अवगत कराया। जिस स्थान पर आप इस समय खड़े हैं, यह स्थान दुर्वासा ऋषि की प्रकट स्थली है और यह क्षेत्र दुर्वासा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की महिमा इस प्रकार है कि दुर्वासा ऋषि जब यहाँ प्रकट हुए तो उन्होंने महामाई का गुणगान किया और महामाई को यहाँ प्रसन्न किया। तत्पश्चात वो यहाँ से मथुरा की तरफ पद यात्रा करते हुए चले गए और जमुना किनारे उन्होंने अपना डेरा लगाया। इस स्थान पर असंख्य लोग आकर अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं और उनकी बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत लोगों को बच्चे हो गए, बहुत लोग ठीक हो गए, फालिस वाले ठीक हो गए। एक को तो 10 साल से दिखना बंद था, वो एक रात्रि हमारे पास आए, मिले और उनको दिखना आरंभ हो गया अगले दिन से। ऐसे ऐसे माई के यहाँ पे चमत्कार होते हैं। कैसे भी भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात, कैसी भी कोई भी समस्या हो, आप यहाँ पे आए माई के चरणों में भोग प्रसादी चढ़ाएं। किसी तरीके का यहाँ कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, ना किसी प्रकार की कोई लूट विद्या है। साधारण सा भोग प्रसादी वाला काम है, वो जाइए बाजार से स्वतः लेके आइए और यहाँ पे चढ़ाइए। ज्यादा से ज्यादा माई की कृपा प्राप्त कीजिए। जिस प्रकार आप लोग कामाख्या देवी जाते हैं, तारापीठ कैलकटा जाते हैं, तारापीठ बिहार जाते हैं, इसी प्रकार माई ने आदेश दिया ब्रज में जमुना इस पार का स्थान लेते हुए, बोला कि जाओ वहां पे जाके कल्याण करो। और उसी कल्याण हेतु मैं यहाँ पर आकर एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। सारे भक्तजनों से आग्रह भी करना चाहूंगा कि वह ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, चाहे एक किंगड़ी लगाएं यहाँ पे वो लगाएं, उनको बहुत फायदा होगा। माई की ऐसी असीम कृपा है, माई रातों रात बना देती है। माई का ध्यान मात्र से कल्याण हो जाता है, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माई की ऐसी कृपा है, एक बार आप आए इस सिद्ध पीठ के दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय माई की, जय महाकाल, जय संत समाज।